जय हिंद। भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक मिला, जो कि जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को, और वो 87.58 मीटर सेकंड अटेम्प्ट में कोशिश की थी, और फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि 87.03 मीटर था, इंडिया का दूसरा इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल ये था। पहला अभिनव बिंद्रा शूटिंग में 2012 लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। नीरज चोपड़ा की बात करें तो 24 दिसंबर 1997 में हरियाणा के पानीपत में जन्म हुआ था। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में अभी जूनियर कमीशन ऑफिसर में अपॉइंटेड है 2016 से, और सूबेदार रैंक पर राजपूताना राइफल्स यूनिट में। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का ये पहला ओलंपिक था। इससे पहले एशियन गेम्स में 2018 जाकर्ता में गोल्ड मेडल जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट 2018 में वहाँ पे भी स्वर्ण पदक जीता था। एशियन चैम्पियनशिप 2017 भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है, वहीं पे भी स्वर्ण पदक जीता था। साउथ एशियन गेम्स 2016 गुवाहाटी में, वहीं पे भी स्वर्ण पदक जीता था। वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2016 में भी स्वर्ण पदक जीता था, और ये ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए और खुद के लिए जीता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा का गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, और स्टेटहुड 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट एनिमल ब्लैक बक, स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकुलिन, स्टेट फ्लावर लोटस, स्टेट ट्री पीपल। और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर जो मनोहर लाल खट्टर, 6 करोड़, उसके साथ साथ क्लास वन कैटेगरी में गवर्नमेंट जॉब देने की वादा किया है। हमारी यह प्यारी सी यूट्यूब फैमिली स्टडी पावर की तरफ से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर भी करना। धन्यवाद।